नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइव mpcg.com। मैं हूं आपके साथ शिल्पी मिश्रा। आइए नजर डालते हैं प्रदेश की बड़ी खबरों पर। मध्य प्रदेश के गुना से सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया को AICC में महासचिव बनाया गया है। सियासी हलकों में माना जा रहा है कि ये दो दिन पहले शिवराज से मुलाकात की सजा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और गुना सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया को AICC में महासचिव बनाया जाना उनका प्रमोशन है या पनिशमेंट, ये सवाल सत्ता के गलियारों में गूंज रहा है। दरअसल दो दिन पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया अचानक पूर्व CM शिवराज सिंह चौहान से मिलने उनके बंगले पहुंचे थे, जिसके बाद सियासी हलकों में एक नई खिचड़ी पकने की अटकलें लगाई जाने लगी थी। लेकिन दो दिन बाद ही सिंधिया को AICC महासचिव बनाकर पश्चिम UP की कमान दे दी गई है, जिससे माना जा रहा है कि ये महाराज को शिवराज से मुलाकात की सजा है। उन्हें MP से दूर कर दिया गया है ताकि वे कोई नई सियासी खिचड़ी न पका सके। हालांकि कांग्रेस के नेता ऐसा नहीं मानते। उनका कहना है कि ये महाराज सिंधिया को UP जैसे बड़े राज्य की जिम्मेदारी देकर राष्ट्रीय राजनीति में प्रमोट किया गया है। इस समय युवा चेहरों की आवश्यकता देश में है। यहाँ पे हो गया मध्य प्रदेश जिताया सबने मिलके, कमलनाथ जी, सिंधिया जी, दिग्विजय सिंह ने। अब देश में जिताना है तो जिस तरह प्रियंका जी को लाया गया उसी तरह आदरणीय सिंधिया जी को, उसी तरह वेणुगोपाल को शायद पूरा इंचार्ज बना दिया है। तो ये सारे युवा चेहरे, युवा शक्ति इसलिए अब आगे लाए जा रहे हैं कि पूरे विश्व में ये बात प्रसिद्ध है कि विश्व का सबसे युवा देश यदि कोई है वो भारत है। सबसे ज्यादा युवा यहाँ रहते हैं। उन युवाओं को मोटिवेट करने के लिए युवा शक्ति को आगे ला रहे हैं। सोनिया गांधी की बेटी प्रियंका गांधी वाड्रा को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का महासचिव बनाए जाने पर मध्य प्रदेश के कांग्रेसियों ने खुशी मनाई। भोपाल में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के बाहर ढोल नगाड़ों के साथ जश्न भी मनाया गया। प्रियंका गांधी को कांग्रेस महासचिव बनाकर यूपी की कमान देने पर मध्य प्रदेश के कांग्रेसियों में भी खुशी का माहौल है। वरिष्ठ नेता और PWD मंत्री सज्जन सिंह वर्मा का कहना है कि काफी अरसे से देश भर के कांग्रेसी मांग कर रहे थे कि प्रियंका गांधी को सक्रिय राजनीति में लाया जाए और आज ये शुरुआत हो गई है। सज्जन वर्मा ने इसके लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से सोनिया और राहुल गांधी को धन्यवाद दिया है और उम्मीद जताई है कि यूपी में कांग्रेस लोकसभा की 50 से ज्यादा सीटें जीतेंगी। पूरा देश और देश का कांग्रेस का कार्यकर्ता आदरणीय सोनिया जी और राहुल गांधी जी को दिल की गहराइयों से धन्यवाद दे रहा है। शिद्दत से मन में इच्छा थी कि हमारी नेता प्रियंका गांधी को सक्रिय राजनीति में लाया जाए, सोनिया जी को महामंत्री, राष्ट्रीय महामंत्री बना के उत्तर प्रदेश जैसे कठिन राज्य का प्रभार सौंपा है। हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं सोनिया जी, राहुल जी का। ये विश्वास है आज कि जो रास्ता प्रधानमंत्री की कुर्सी तक जाता है वो उत्तर प्रदेश के गलियारों से गुजर के जाता है। 80 सीट हैं उत्तर प्रदेश में लोकसभा की। अब प्रियंका जी के आने से मैं दावा कर सकता हूँ कि हम 50 सीट वहाँ पे कांग्रेस जीतेगी। वहीं पिछले कई सालों से प्रियंका को सक्रिय राजनीति में लाने की मांग कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने PCC के बाहर ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाया। इन कार्यकर्ताओं ने प्रियंका गांधी को भोपाल लोकसभा सीट से कांग्रेस का उम्मीदवार बनाने की मांग करते हुए शहर भर में पोस्टर भी लगवाए थे। इनकी अब भी यही मांग है कि प्रियंका गांधी को भोपाल से कांग्रेस उम्मीदवार बनाया जाए। 2.5 साल पहले मैंने भोपाल से, पूरे भोपाल शहर में होर्डिंग लगा के ये मांग की थी और आपके चैनल ने भी दिखाया था। और आखिर सोनिया जी और राहुल जी और प्रियंका जी, इन्हें खुद कहना पड़ा था कि हम भविष्य में आप कार्यकर्ताओं का सम्मान करते हैं, इनकी भावनाओं का, और अवश्य ही हम जल्दी निर्णय लेंगे। और आज मैं बेहद खुश हूँ कि सोनिया जी और राहुल जी ने निर्णय लेके उनको महासचिव बनाया। और जो जायज मांग है कार्यकर्ताओं की, लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं की, कि जो हम 84 के बाद से ये सीट हार रहे हैं भोपाल की, वो प्रियंका जी यहाँ का नेतृत्व करें और 29 में से 29 सीटें मध्य प्रदेश की जीत के उनकी झोली में दें और गवर्नमेंट फिर हुकूमत बने कांग्रेस की और प्रधानमंत्री राहुल जी बने। आप चाह रहे प्रियंका जी भोपाल से? मेरी नहीं, लाखों कार्यकर्ताओं की इच्छा है कि प्रियंका जी भोपाल का नेतृत्व करें। प्रियंका गांधी के साथ ही गुना सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी तत्काल प्रभाव से AICC महासचिव बनाकर पश्चिम यूपी का प्रभार दिया गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों ने भी नाच गाकर खुशी जताई। मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार की किसान कर्ज माफी और किसान हितेशी योजनाओं की जानकारी किसानों तक पहुंचाने के लिए मध्य प्रदेश किसान कांग्रेस ने किसान विजय रथ यात्रा की शुरुआत की। PCC में वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं ने हरी झंडी दिखाकर रथ यात्रा को रवाना किया। लोकसभा चुनाव के पहले किसान कांग्रेस मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में कमलनाथ सरकार के कर्ज माफी के वचन को पूरा करने की बात पहुंचाने के लिए
रथ यात्रा लेकर पहुंचेगी। बुधवार को प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय से मंत्री किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश गुर्जर सहित मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, कमलेश्वर पटेल और किसान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष नाना पटोले ने रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश गुर्जर का कहना है कि यात्रा का उद्देश्य गांव, मंडियों, जिला जनपद पंचायतों में पहुंचकर कर्ज माफी को लेकर किसानों को जानकारी देना और ये जानना है कि उन्हें कर्ज माफी का लाभ मिला है या नहीं। जो किसानों के मान सम्मान की यात्रा है, धन्यवाद देने जा रहे हैं हम अपने पिता तुल बुजुर्गों को, और जो कर्ज माफ की माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने उसके उसमें जो धारा भ्रांति फैला रही है वो दूर करके किसानों का कर्ज माफ है उसके लिए कर्ज जा रहा है। भाजपा से लोकसभा सीटें हथियाने के लिए अब मध्य प्रदेश के कांग्रेसियों को फिल्मी सितारों में उम्मीद की किरण नजर आ रही है। भोपाल से करीना को लड़ाने की मांग के बाद अब इंदौर से सलमान खान को लड़ाने की मांग की जा रही है। भोपाल से करीना कपूर को चुनाव लड़ाने की मांग सामने आने के बाद अब मिनी मुंबई कहे जाने वाले इंदौर से सलमान खान को लोकसभा चुनाव लड़ाने की मांग उठ रही है। कांग्रेस प्रदेश सचिव राकेश यादव की माने तो सलमान के नाम पर कांग्रेस पार्टी में विचार चल रहा है। प्रदेश सचिव का तर्क है कि सलमान खान चुनाव लड़ेंगे तो इंदौर में युवाओं को फिल्म इंडस्ट्री का लाभ मिलेगा। दूसरा तर्क ये भी है कि सलमान खान की पैदाइश इंदौर की है और उन्होंने अपने बचपन का काफी समय इंदौर में बिताया है। सलमान अपने रिश्तेदारों से मिलने इंदौर आते रहते हैं और कई मौके पर उन्होंने इंदौर के प्रति अपने लगाव का इजहार किया है। अब देखना है कि जिताऊ उम्मीदवारों की कमी से जूझ रहा कांग्रेस हाईकमान क्या सचमुच इन नेताओं की बात मानकर फिल्मी सितारों को उम्मीदवार बनाता है। देखिए, बहुत जगह से डिमांड की गई है कांग्रेसियों ने भी, आम जनता ने भी, कि इंदौर से सलमान खान साहब को लोकसभा प्रत्याशी बनाया जाए। अगर सलमान खान साहब को कांग्रेस हाईकमान और माननीय मुख्यमंत्री जी लोकसभा कैंडिडेट बनाते हैं तो इंदौर के लिए बहुत एक इंडस्ट्रीज हब के लिए नई शुरुआत होगी, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्रीज का एक बहुत बड़ा बिजनेस है और इंदौर में जो युवा हैं उनको एक नई दिशा और एक नए रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। सलमान खान एक ब्रांड नेम है, उस नेम का एक विश्व में नाम है, तो उसका एक बहुत बड़ा फायदा इंदौर को ब्रांडिंग के रूप में भी होगा। तो अगर ये निर्णय भविष्य में होता है तो वो इंदौर के हित में रहेगा। इन दिनों सोशल मीडिया पर कांग्रेस विधायक ऐदल सिंह कंसाना का एक वीडियो तेजी से फैल रहा है जिसमें वे रेत माफियाओं को रेत उत्खनन करने के लिए निर्देश देते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद सियासी गलियारों में हड़कंप मच गया है। पुलिस प्रशासन जहां एक तरफ अवैध उत्खनन पर रोक लगाने के लिए सख्ती अपना रही है, वहीं कांग्रेस सरकार के एक विधायक ने रेत माफियाओं को अवैध उत्खनन करने के निर्देश दे दिए हैं, जिससे सियासी गलियारों में हलचल मची हुई है। जानकारी के मुताबिक सुमावली से कांग्रेस विधायक ऐदल सिंह कंसाना का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वे कह रहे हैं कि तुम लोग शहर में ट्रकों से रेत मत डालना, ट्रैक्टर ट्रालियों से डालना, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने चंबल रेत का उत्खनन करने पर रोक लगा रखी है। वहीं इस वीडियो के सामने आने के बाद अब विधायक ने सफाई देते हुए कहा है कि मुरैना विधानसभा में चंबल रेत का उत्खनन नहीं हो रहा, गांव के लोग खेतों से रेत इकट्ठा करके लाते हैं और जो भी मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है मैं उनसे डरने वाला नहीं हूँ। कि जहाँ मैं शहर में कुछ रेता बेता मट जा रही है, तुम लोग ट्रैक्टर में ट्रक से ट्रैक्टर से डारो ट्रक से मट जा रही है। बमकूते हुए मैंने कह देगी और तुलते हुए मैं कह रहा हूँ, और तू नहीं तू चाहे तो तू चाहे तो आ जाइए, मोड़े बैठी है सब, जहाँ आ जाए जल्दी आ जाइए बैठी जी। बीएसपी विधायक रामबाई इन दिनों सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। कभी वे किसी को उसका हक दिलवाती नजर आती हैं तो कभी किसी को धमकाती हुई नजर आती हैं। ऐसा ही एक और वीडियो सामने आया है जिसमें वे एक बाबू से रिश्वत की रकम वापस ले रही हैं। विधायक रामबाई का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर छा रहा है। इस वीडियो में रामबाई एक जन सुनवाई के दौरान किसान की शिकायत पर बटियागढ़ तहसील में पदस्थ बाबू को आड़े हाथों लेते हुए उससे 3,000 रुपए की रिश्वत वापस दिलवा रही है। इतना ही नहीं, उन्होंने बाबू से कान पकड़ कर माफी भी मंगवाई है। आप भी देखिए ये वीडियो। देखो, हम एक बार आपको समझा के गए थे भैया कि किसी गरीब से पैसा नहीं ले, ठीक है, जो गरीब आदमी है और आपके दरवाजे में देखो हम भी कभी ना कभी गरीब परिस्थिति से गुजरे हुई हो, है कि नहीं। आप मान पकड़ो, माफी मांग के आज के बाद पैसा नहीं, कभी पैसा नहीं है।
मध्य प्रदेश की राजधानी से सटे रायसेन जिले के औद्योगिक क्षेत्र मंडीदीप में दिल्ली के बुराड़ी जैसी दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक मकान से 4 शव मिले हैं। मामला सामूहिक आत्महत्या का माना जा रहा है। हालांकि घटना के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। भोपाल से सटे मंडीदीप से एक दिल दहलाने वाली खबर सामने आई है, जिसमें एक ही परिवार के 4 लोगों की लाशें एक घर से बरामद हुई है। मामला सामूहिक हत्या का बताया जा रहा है, जिसमें 2 बच्चे और 2 महिलाएं शामिल है। हालांकि घर का मुखिया सन्नू अचेत अवस्था में पाया गया है। जानकारी के मुताबिक पड़ोसियों ने मंगलवार शाम को आखिरी बार सन्नू को देखा था। इसके बाद से उसके परिवार का कोई भी सदस्य मंगलवार शाम तक बाहर नहीं दिखा। शक होने पर पड़ोसियों ने आवाज लगाई, लेकिन जब कोई बाहर नहीं आया तो पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़ा तो देखा घर में 5 लोग पड़े हुए हैं, जिसमें से 4 की मौत हो चुकी थी, जबकि सन्नू की सांसें चल रही थी, जिसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। करीब 8 बजे रात को सूचना मिली थी 100 पे, तो मौके पे आए और दरवाज़ा लॉक था अंदर से, जैसे तोड़ के, और जो सन्नू करके थे, सोनिक भाई के में काम करते थे, वो जीवित थे, उनको इलाज के लिए बुलाया है। बाकी उनकी पत्नी, सास, साला और एक 12 दिन की बच्ची पाए गए, इन्हें पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। दमोह जिला भाजपा अध्यक्ष देवनारायण श्रीवास्तव के ऊपर कोतवाली पुलिस द्वारा आज धारा 394 के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया। साथ ही अन्य 18 लोगों पर भी मामला दर्ज किया गया। इन पर यह मामला विरोध प्रदर्शन करने के कारण हुआ। दमोह में भाजपाइयों पर पुलिस ने धारा 394 के अंतर्गत मामला दर्ज किया है। दरअसल सोमवार को प्रदेश शासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए भाजपाइयों द्वारा कांग्रेसियों को गालियां दी गई थी। इसके बाद शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष यशपाल ठाकुर ने एक आवेदन और गाली गलौज करते हुए वीडियो पुलिस अधीक्षक को दिया और कार्रवाई की मांग की, जिसकी जाँच करने का आश्वासन दमोह पुलिस अधीक्षक RS वेलवंशी ने दिया। और जाँच के बाद दमोह कोतवाली पुलिस द्वारा भाजपा जिला अध्यक्ष देव नारायण श्रीवास्तव और अन्य 18 भाजपाइयों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। कल दिनांक 21 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मध्य प्रदेश में पुतला दहन का प्रस्तावित कार्यक्रम था। इसी तारतम्य में जब ये कार्रवाई हो रही थी तो भाजपा के जो जिलाध्यक्ष हैं देवनारायण श्रीवास्तव और उनके साथियों ने गाली गुफ्तार कांग्रेसियों पर करी है। ऐसी रिपोर्ट शहर अध्यक्ष यशपाल ठाकुर ने थाना कोतवाली में की है। उनके लिखित आवेदन पर थाना कोतवाली दमोह में धारा 294 का मामला देवनारायण श्रीवास्तव एवं उनके साथियों के विरुद्ध पंजीबद्ध किया गया है। बड़वा सेंट्रल स्कूल की स्टूडेंट छात्रा प्रज्ञा गनवानी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ परीक्षा पर चर्चा के लिए चुना गया है। बड़वा सेंट्रल स्कूल की स्टूडेंट छात्रा प्रज्ञा गनवानी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ परीक्षा पर चर्चा के लिए चुना गया है। 29 जनवरी को दिल्ली में होने वाली इस चर्चा में पूरे देश के सभी स्कूलों से बच्चों के एग्जाम के संबंध में आर्टिकल मंगवाए गए थे। प्रज्ञा ने स्कूल के प्रिंसिपल सुभाष चंद्र श्रीवास्तव और सीनियर टीचर्स के गाइडेंस और खुद की मेहनत से लिखकर आर्टिकल भेजा था, जिसकी वजह से उसका सिलेक्शन इस सभा के लिए किया गया है। प्रज्ञा 27 जनवरी को भोपाल जाएंगी, जहां से सरकारी खर्चे पर उन्हें दिल्ली ले जाया जाएगा। प्रज्ञा के पिता अनिल गनवानी और माँ मंजुला गनवानी अपनी बेटी की सफलता पर काफी खुश हैं। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष और DIG हेमराज गुप्ता के साथ ही मनोनीत अध्यक्ष LM ठाकुर ने छात्रा को आशीर्वाद और शुभकामनाएं दी हैं। अभी तो मैंने ये नहीं सोचा है कि मैं उनसे क्या कहूंगी, लेकिन मैं उन्हें बस एक बार मिलना चाहूंगी। मैं उनके भाषण सुनना चाहूंगी। वो जो लेक्चर्स, वो जो असेंबली में जो बातें कहते हैं, वो बहुत इंस्पायरिंग होती है। उनसे हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। इस पूरे देश से 2000 बच्चों को जिनको बुलाया गया है, उसमें केंद्रीय विद्यालय बड़वाह की प्रज्ञा गनवानी का चयन हुआ है। ये खरगोन जिले से इकलौती छात्रा है, इसलिए न केवल बड़वाह के लिए बल्कि पूरे खरगोन जिले के लिए गौरव की बात है। और मैं ये बालिका 27 तारीख को यहाँ से रवाना होगी दिल्ली के लिए और 29 जनवरी को कार्यक्रम में सम्मिलित होगी। मैं प्रज्ञा गनवानी को और उनके परिवार के सदस्यों को बधाई देता हूँ। पखांजुर के पुराना बाजार नेताजी चौक पर हर साल की तरह इस बार भी नेताजी का जन्मदिन मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में अंतागढ़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक अनूप नाग शामिल रहे। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 123वीं जन्मतिथि है, जिसके चलते पखांजुर में हर साल की तरह इस साल भी जन्म वार्षिकी कार्यक्रम रखा गया।
ये कार्यक्रम जागृति मंच पखंजूर द्वारा रखा गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अंतागढ़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक अनूप नाग शामिल हुए। अनूप नाग ने नेताजी के छायाचित्र पर माल्यार्पण किया, साथ ही मंच से नेताजी के जीवन से संबंधित भाषण भी दिया। इस कार्यक्रम में नगर के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे, साथ में स्कूल के बच्चों की भी भारी भीड़ रही। सुबह 10 बजे यहां रैली निकाली गई, जो नगर भ्रमण कर नेताजी चौक पर पहुंची। छत्तीसगढ़ की कोटा जनपद पंचायत में सामाजिक सुरक्षा पेंशन में धांधली का मामला सामने आया है। यहां गांव के सरपंच और सचिव ग्रामीणों को गुमराह कर उनका हक मार रहे हैं, जिसके खिलाफ ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। पंडाल के नीचे एकजुट होकर बैठे ये लोग किसी कार्यक्रम या समारोह में शामिल होने नहीं आए हैं, बल्कि ये सभी लोग कोटा जनपद पंचायत के निवासी हैं और उनकी पेंशन न मिलने के खिलाफ धरने पर बैठे हैं। इन लोगों का कहना है कि करीबन 17 से 18 महीनों से उनको पेंशन नहीं मिल रही, जिससे उनकी भूखों मरने की नौबत आ गई है। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव के सरपंच और सचिव पेंशन के नाम पर उन्हें गुमराह करते हैं और तकनीकी खराबी का हवाला देकर उनका हक मार रहे हैं। पर अब ये मामला एसडीएम के संज्ञान में आ गया है और अब देखने वाली बात होगी कि एसडीएम इस पर क्या कदम उठाते हैं। गाँव में 350 रुपए, मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि आप 1,000-1,500 रुपए की बात तो आप बाद में कीजिए, पहले आप 350 की जो बात चल रहा है पहले से, उसी को अगर 2 साल से बचाए, एक मुफ्त 2 साल से अगर का पेमेंट निराश्रितों को मिल जाए, वही उनके लिए वरदान होगा। आप 1,000 संख्या से ज्यादा खुशी होगी, वो 6 महीने साल भर से 1.5 साल से रुका है, वो राशि दे देंगे आपको, ज्यादा खुशी होगी। आज की खबरों में बस इतना ही, बने रहे हमारे साथ, नमस्कार।